नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टीपी लिंक के आर्चर C6U इस 1200 Mbps स्पीड वाले वाईफाई राउटर का। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर राउटर मेरे हाथ में है, इसको आप अलग अलग स्पीड्स में खरीद सकते हैं। इसमें 2.4 GHz और 5 GHz ये दोनों ही बैंड है, और ये U मॉडल होने के वजह से इसमें एक USB पोर्ट भी आता है। सेम मॉडल आपको विदाउट USB पोर्ट भी मिलेगा, वो मेरे ख्याल से 200-300 रुपए सस्ता मिलता है। ये विद USB पोर्ट है। एक एक्सटर्नल SSD या प्रिंटर, ऐसे डिवाइसेस को कनेक्ट करके सारे ही नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर राउटर की जो MRP है वो 5200 रुपीज की है, लेकिन आपको ये आसानी से ऑनलाइन 2600 रुपए तक मिल जाएगा। इसकी एफिलिएट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे आप इसकी लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं या इसे खरीद भी सकते हैं। सबसे पहली बात जो ये है, फिलहाल मिलने वाले जो मॉडल्स हैं उनके साथ हमें 3 साल की वारंटी आती है। और अगर इस पर्टिकुलर मॉडल की कुछ खासियतें देखें, हमें MU MIMO ये भी मिलता है, तो ये बीम फॉर्मेशन भी करता है, जिससे कि हमारी रेंज और डिवाइसेस को प्रायोरिटी स्पीड हम दे सकते हैं। इसके जो सारे ही पोर्ट्स है ये फुल गीगाबाइट स्पीड्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास 100 MBPS से ज्यादा का मेन कनेक्शन है, जिसे आप इस राउटर से एक्सेस पॉइंट की तरह शेयर करने वाले हो, तो ये आपके बड़े ही काम में आने वाला है, क्योंकि आपको उसकी पूरी ही स्पीड मिलेगी। उसी के साथ अगर आपके होम या ऑफिस नेटवर्क में आप कुछ PCs को GBPS स्पीड पे कनेक्ट करना चाहते हो, तो भी ये बड़े ही काम में आने वाला है। हमें एक USB पोर्ट भी मिलता है, क्योंकि ये U मॉडल है जैसे मैंने कहा, लेकिन वो USB 2 स्टैंडर्ड ही है। स्पीड उसकी काफी कम है, तो जनरली एक्सटर्नल स्टोरेज, हार्ड डिस्क वाला या फिर प्रिंटर्स के लिए ही ये काम में आने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसकी 1200 MBPS स्पीड है, उसमें से 867 MBPS हमें 5 GHz बैंडविड्थ पे मिलती है, और 300 MBPS हमें 2.4 GHz बैंडविड्थ पे मिलती है। अगर हम बॉक्स की पिछली साइड देखें, तो यहाँ पे उन्होंने उसकी मेन चीज दर्शाई है कि इसे MU MIMO सपोर्ट है। उसी के साथ इसमें हम सिक्योर VPN भी बना सकते हैं। इस राउटर को बीम फॉर्मिंग भी है, जिससे कि हमें हाई स्पीड्स और अच्छी खासी स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मिलती है। अनबॉक्सिंग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राउटर दिया गया है और इसको ये इस तरह से फिनिश दी गई है। पीछे की साइड देखें, सब जगहों से वेंटिलेशन के लिए कटआउट्स दिए हैं। राइट साइड में देखें तो इसका USB पोर्ट दिया गया है, और अगर हम पीछे देखें 4 LAN पोर्ट्स मिलते हैं और 1 WAN पोर्ट मिलता है। यहाँ पे पावर अडाप्टर लगाने के लिए स्लॉट है, और ये हमारा ऑन ऑफ बटन दिया गया है। अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे हमें WPS बटन मिलता है, और राउटर को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए भी बटन मिलता है। ऊपर सेंटर में टीपी लिंक ब्रांडिंग दी गई है। एडाप्टर मिलता है 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर्स इसका मैक्सिमम कंजम्पशन है। इंडियन 3 पिन दी गई है यहाँ पे, और अगर हम देखें ये कुछ पेपर वर्क है, और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी दी गई है। और फाइनली हमें बॉक्स में एक GBPS पैच कॉर्ड भी मिलती है। हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अगर इस राउटर से एक्सटेंड करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। इसे 4 एंटीनास दी गई है, और अलग अलग डायरेक्शंस में सेट कर सकते हो, लेकिन ये चारों ही एंटीनास नॉन रिमूवेबल है। दोस्तों अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए भले ही सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करती है। यहाँ पे दिए गए जो ये LEDs है, ये हमको अलग अलग स्टेटस दिखाते हैं। पावर ऑन, 2.4 GHz, 5 GHz, LAN कनेक्टेड है कि नहीं, इसके लिए एक ही LED दिया है, और अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, और फाइनली USB के लिए एक दिया गया है। मैं इस राउटर को अब सेटअप करता हूँ, और हम बाकी इसमें लॉगिन करके देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमने हमारे एंटीनास के ऊपर का प्लास्टिक कवर निकाला है, तो जो बॉक्स में दी गई केबल है उसके एक छोर को हमें इन 4 में से किसी भी पोर्ट में कनेक्ट करना है, और फिर दूसरे पार्ट को हमारे लैपटॉप के LAN पोर्ट में लगाना है। और आपका जो नेटवर्क सेटिंग है वो DHCP पे चाहिए। हम हमारे ब्राउजर में 192.168.1.1 या 0.1, और जैसे ही फर्स्ट टाइम आप ये वेब एड्रेस डालते हो, हमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड के लिए पूछता है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं वो करता हूँ, और हम आगे की चीज़ें देखेंगे। अल्टरनेटिवली
टीपी लिंक के टेथर ऐप को इस्तेमाल करके भी आप इस राउटर को सेट कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली इसे इंटरनेट में कनेक्ट करो। और मेरा क्रिएट किया हुआ जो पासवर्ड है वो जैसे मैं एंटर करता हूँ मैं इस मेन पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे ये क्विक सेटअप के लिए पूछता है, आप चाहे तो ये क्विक सेटअप कर सकते हो या आप डायरेक्टली बेसिक सेटअप में जा सकते हो। यहाँ पे ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने अब तक राउटर को मेरे मेन एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। जैसे आपने देखा था मैं राउटर को डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्ट करके सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये मैश नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो टीपी लिंक की मैश नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ भी ये कंपेटेबल है। तो ये मैश डिवाइसेस यहाँ जीरो दिखा रहा है, वायर्ड कनेक्शन हमारे इस पीसी का एक दिखा रहा है, वायरलेस क्लाइंट जीरो है। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर ट्रिपल पी ओ ई पे इस राउटर को सपोर्ट करता है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो या आप एक्सेस पॉइंट की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे USB सेटिंग्स है, जो अगर आप USB इसका पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट सेटिंग है, तो इंटरनेट के लिए हम ये सारे ही स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करके इसे मेन राउटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने ऑटो डिटेक्ट भी दिया है। वायरलेस सेटिंग्स में जाए तो हमें यहाँ पे स्मार्ट सिलेक्ट मिलता है, अगर आप स्मार्ट सिलेक्ट निकाल दें तो आपको 2.4 GHz और 5 GHz ये अलग से दो बैंड्स मिलते हैं जिसे आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। USB शेयरिंग में मैंने अभी तक कोई भी डिवाइस नहीं लगाया है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन USB शेयरिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इसका एड्रेस है, पोर्ट्स दिए हैं, FTP सर्वर, FTP वाया इंटरनेट, ये भी आप इधर से सेटअप कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क्स अगर आप चाहते हो तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसे पेरेंटल कंट्रोल भी दिया गया है, उसे आप कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस सेटिंग्स यहाँ से है। टीपी लिंक क्लाउड, तो अभी ये डिवाइस मैंने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है इसलिए ये सेटिंग्स नहीं आ रही है। और वन मैश सेटिंग्स भी यहाँ पे दी गई है। वन मैश नेटवर्क का दोस्तों फायदा ये है, एक राउटर से दूसरे राउटर पे आप आसानी से बिना रिकनेक्ट किए ट्रांसफ़र हो जाते हो और आपको हर बार अलग अलग राउटर के वाईफाई के सेटिंग्स और पासवर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, तो कंफर्टेबल डिवाइसेस इसे भी सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारी बेसिक सेटिंग्स है, यहाँ पे हमें एडवांस सेटिंग्स भी दी गई है। अगर आपको इस पे IP एड्रेस को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो IPTV सेटिंग्स दी है, DHCP सेटिंग्स दी है, डायनेमिक DDNS है, स्टैटिक राउटिंग अगर आपको कुछ करनी है। फिर सबसे मेन बात आती है कि इसे आपको किस हिसाब से चलाना है, तो आप इसे राउटर की तरह चला सकते हो। एग्जिस्टिंग राउटर के साथ इसे कनेक्ट करना है तो ये एक्सेस पॉइंट के हिसाब से आप चलाओगे। यहाँ पे हमें वायरलेस सेटिंग्स भी मिलती है, तो हर सेटिंग को यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। WPS मोड इनेबल करना है नहीं करना है, वायरलेस शेड्यूलिंग, वन नेस नेटवर्क जैसे हमने बेसिक में देखा, यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क्स है, USB शेयरिंग, पेरेंटल कंट्रोल, QoS, ये तो हमने सारे बेसिक में भी देखा। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी में जाए तो यहाँ पे फायरवॉल है, तो आप वो सेटिंग्स भी मैनेज कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल दिया है, अगर आपको नेट फॉरवर्डिंग करना है तो उसके लिए भी सेटिंग्स यहाँ पे दी है। तो जो एडवांस फीचर्स है उन सारे ही फीचर्स को आप यहाँ से एडवांस में जाके कंट्रोल कर सकते हो। IPv6 की सेटिंग दी है, VPN सर्वर को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसके सेटिंग्स हैं। यहाँ पे स्मार्ट लाइफ असिस्टेंट भी दिया गया है, तो ये जो पर्टिकुलर राउटर है एलेक्सा के थ्रू कुछ स्मार्ट फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उन्होंने उसकी डिटेल्स दी है। और फाइनली यहाँ पे सिस्टम टूल्स दिए हैं, तो सिस्टम टूल्स में हम इसके टाइम को सेट कर सकते हैं, LED अगर आपको चालू रखने हैं या नहीं रखने हैं, डायग्नोस्टिक्स है, इसकी फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन दिया है, और फाइनली अगर आपको इसके सेटिंग्स का बैकअप बनाने हैं या उस बैकअप को रिस्टोर करना है तो उसके लिए भी सेटिंग्स दी गई है। तो ये सारी ही फीचर्स हमें मिलती है, और अगर आप देखें तो बेसिक होम नेटवर्किंग के लिए काफ़ी सारी फीचर्स यहाँ पे दी गई है। तो मैं कहूँगा ये एक फीचर रिच राउटर है। यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, और अगर आप राउटर को रिबूट करना चाहे तो रिबूट कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ों से अगर आप वाकिफ नहीं है तो आप इजीली इस सब को स्किप करके टीपी लिंक टेथर ऐप थ्रू भी या बेसिक सेटिंग के थ्रू भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस राउटर को कॉन्फिगर करना काफ़ी सिंपल है। अगर आपको एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ भी इसे इस्तेमाल करना है, बस एक छोर को
हमारे ब्लू कलर के वैन पोर्ट में डालना है और दूसरे छोर को हमारे एग्जिस्टिंग राउटर में डालना है और ये डायनामिक आईपी में खुद को कॉन्फ़िगर कर लेगा और इंटरनेट चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट करने के बाद स्पीड टेस्ट रन किया वायर्ड मोड में, तो आप देख सकते हैं वायर्ड मोड में मुझे 684 Mbps डाउनलोड और 171 Mbps अपलोड मिल रही है। तो मैंने अब मेरे इस मोबाइल को 5 GHz पे राउटर के साथ कनेक्ट किया है और अब हम ये देखते हैं कि 5 GHz पे हमें क्या स्पीड मिलता है। तो 330 के आसपास मिल रही है, अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैंने इस टेस्ट को 2-3 बार रन किया है, तो अगर यहाँ पे आप जाए और रिजल्ट्स में जाए तो मैक्सिमम जो मुझे स्पीड मिली है वो 354 Mbps डाउनलोड के आसपास मिली है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 GHz पे आपको 350 Mbps तक आसानी से स्पीड देगा, जो कि काफ़ी हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। और जहाँ तक 2.4 GHz की बात आती है, ये 100 Mbps अपलोड और डाउनलोड देता है, तो 2.4 GHz के भी इसका जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब हम ये देखते हैं कि 5 GHz पे अगर हम दूसरे रूम में जाने की कोशिश करें तो हमें कितनी स्पीड मिलती है। तो दोस्तों मेरा ये 3 BHK का फ्लैट है, अब हमने जो राउटर सेटअप किया है वो वहाँ पे हमने टेबल पे रखा है और मैं अब इस कोने के रूम में आया हूँ, तो अगर मैं ये दरवाज़ा बंद भी कर दूँ तो अब मैं इस टेस्ट को वापस रन करूँगा। अब देखते हैं स्पीड पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो 226 MB की डाउनलोड स्पीड और लगभग 250 Mbps की अपलोड स्पीड, 250 Mbps के आसपास हमारा स्पीड ड्रॉप हुआ है, लेकिन तो भी मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 3 BHK के फ्लैट तक चल जाएगा। काफ़ी दूर इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप 2.4 GHz पे भी इसे इस्तेमाल कर ही सकते हो, उसकी रेंज इससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये राउटर काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। तो जो थोड़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम हम इसके ऊपर दे रहे हैं वो इसके बीम फॉर्मेशन और मीमो के सपोर्ट के लिए हम दे रहे हैं और उसके वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ना ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ना टीपी लिंक के साथ मेरा कोई लेना देना है। इस राउटर का मैंने ऑनलाइन खुद के पैसे से खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदा है और उसका ये मैं रिव्यू आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों हमने जो पिछली बार MI का राउटर देखा था उसके लिंक यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, उसका भी जो वाईफाई स्पीड है हमें काफी अच्छा मिलता है, तो उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग भी की गई है। 4 की जगह हमें 2 GBPS पोर्ट्स मिलते हैं, बॉक्स में हमें कोई भी GBPS पैच कॉर्ड भी नहीं मिलती है। तो ये राउटर उससे एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन इसमें फीचर्स भी ज़्यादा है और USB होने की वजह से इसकी वर्सिटिलिटी भी ज़्यादा है अगर आप इसे यूज़ करने वाले हों। तो 3000 रुपये के नीचे मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।